हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम के सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल इजी है। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है प्रोनाउन कहलाता है। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहलाता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक बड़ा सा जैसे है, हरी एक सिंगर है। हरी इज माई फ्रेंड, हरी मेरा फ्रेंड है। तो इसका देखते हैं, हरी इज ए सिंगर, ही इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या है, हरी के स्थान पर क्या लग गया है? ही। तो ये हरी के जगह पे जो ही लगा है, ये यही क्या है, यही प्रोनाउन है यानी कि सर्वनाम है, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। हरि क्या है? संज्ञा है, इसके जगह पे ही लग गया है। तो ये जो ही है यही क्या है, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मधु इज माई फ्रेंड, मधु मेरी फ्रेंड है। मधु इज ब्यूटीफुल, मधु सुंदर है। तो देखिए, मधु इज माई फ्रेंड, सी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या है, ये मधु के जगह पर क्या लग गया है, सी। तो ये संज्ञा के जगह पर क्या लगा है, सी। तो यही क्या है, सर्वनाम है। दोबारा से हम डेफिनेशन देखते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के होते हैं 5 प्रकार के। प्रकार देखते हैं जल्दी जल्दी प्रोनाउन के भेद। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट और आखिरी है रिफ्लेक्सिव सर्वनाम प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। अब हम इसके अगले पार्ट में ये जो 5 प्रकार के जो ये प्रोनाउन है इन सबके बारे बारे में देखेंगे। तो इसके अगले वीडियो में भी आप बने रहिए इनके पार्ट को देखने के लिए।